गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब? तो आज मैं आपको थोड़ा सा अलग लुक में नजर आ रही होंगी। एक्चुअली मैं भी थोड़ी देर पहले सो के उठी हूँ और अभी 8 बज चुकी हैं और आज मैं व्लॉग शूट कर रही हूँ। आज एक्चुअली आपसे काफी सारी चीजें मैंने शेयर करनी थी, इस व्लॉग के थ्रू शेयर करना चाहती थी क्योंकि आपके भी बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए थे। मैं अपने लॉकडाउन के इस टाइम को कैसे स्पेंड कर रही हूँ, कैसे इंजॉय कर रही हूँ, तो यही सब चीजें आज इस व्लॉग में आपको देखने को मिलेंगी। तो चलिए फिर, मैं अभी चाय वगैरह बना लेती हूँ, उसके बाद मैं नाश्ता तैयार करूंगी, उसके बाद बच्चों को उठाऊंगी और काफी सारी चीजें हैं और बहुत सारा काम का प्रेशर भी है इस वक्त। तो चलिए फिर, मैं आपसे थोड़ी देर में मिलती हूँ। तो ये आपने देखा कि मैंने जो छत पर फूल लगाए हुए हैं, पौधे लगाए हुए हैं, तो उनका मैं आपको एक छोटा सा लुक दिखाना चाहती थी। इस टाइम जो मेरे घर में गुलाब का पौधा है ना, उस पर बहुत सारे गुलाब आए हुए हैं इस मौसम में भी। और वैसे इस मौसम में आते हैं नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ इस वक्त बहुत सारे गुलाब आए हुए थे। पिक भी दिखा दूंगी मैं आपको, एक बार पिक पे आपको पता चल जाएगा, क्योंकि जब मैं पिक लेने गई दोबारा तो सारे फूल झड़ चुके थे और कुछ ही इसमें बचे हुए थे, नहीं तो काफी टाइम बाद हुआ है कि एक साथ इतने सारे गुलाब आए हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे रोज तो बहुत ज्यादा पसंद है, हर एक तरह के फूल बहुत पसंद है बहुत ज्यादा, और रोज तो कुछ ज्यादा ही पसंद है। और ये आप जो देख रहे हो ना गाइस, ये जो खेत का नजारा आप देख रहे हो, आप सोच रहे होंगे बोला कि हमारे यहाँ गेहूं नहीं कटनी स्टार्ट हुई है क्योंकि अभी लॉकडाउन चल रहा है, आप सभी जानते हैं कि, और जो मशीनें वगैरह आती हैं गेहूं काटने के लिए, तो अभी तक उनको मजदूर वगैरह और मशीनें वगैरह नहीं मिल रही हैं, तो इसलिए अभी इतना डिले हो गया है, हमारे यहाँ पर गेहूं कटनी स्टार्ट नहीं हुई है। नहीं तो हर साल तो अप्रैल के इस टाइम तक तो अप्रैल के स्टार्टिंग में ही बल्कि कटनी स्टार्ट हो जाती है गेहूं, लेकिन इस बार काफी लेट हो गई है। तो ये मेरी घर की छत का एक नजारा मैंने आपको दिखाया है। जैसे आप सोच रहे होंगे मैं आपको क्यों दिखा रही हूँ, मैं एक्चुअली आपके कुछ सवालों का जवाब देना चाहती थी, इस व्लॉग के थ्रू बताना चाहती थी, क्योंकि कुछ लोगों को लगता था कि इंस्टाग्राम पे क्वेश्चंस आए थे कि मैम आप कहाँ रहती हो। पहले उन्होंने पूछा, मैंने उनको बताया भी कि मैं गांव में रहती हूँ, तो उन्हें बिलीव नहीं हुआ कि नहीं मैम आप झूठ बोल रहे हो, आप गांव में नहीं रहते हो। तो भी मैं झूठ की बोलूंगी, मैं जहां रहती हूँ वहीं बताऊंगी ना, इसमें झूठ बोलने वाली बात तो कुछ है ही नहीं। और इसलिए मैंने आपको दिखा दिया है कि देखिए मैं गांव में ही रहती हूँ। एक्चुअली मैं आपके इस कमेंट को नेगेटिव वे में नहीं ले रही हूँ, लेकिन हाँ अपनी तरफ से मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहती थी कि देखिए मैं गांव में ही रहती हूँ और यही कुछ नजारा है मेरे घर के बाहर का जहां मैं रहती हूँ, तो बस इसलिए आपको दिखाया। तो अभी मैं लगा रही हूँ झाड़ू और थोड़ी साफ सफाई कर लेती हूँ, उसके बाद हम नाश्ता करेंगे, उसके बाद मैं बच्चों को नहलाऊंगी और उसके बाद आपसे थोड़ी देर में मिलती हूँ। तो अभी मैं यहाँ पर झाड़ू लगा रही हूँ और आप सोच रहे होंगे कि मैं अभी इतना सुबह सुबह क्यों कर रही हूँ, क्योंकि सुबह में चाय वगैरह हम पीकर, राज और मैं सुबह में चाय पी लेते हैं, उसके बाद बच्चे इतना सो के उठते हैं, इतने में मैं झाड़ू पोछा कर लेती हूँ, क्योंकि बच्चे उठते हैं फ्रेश वगैरह होते हैं तो इतनी देर में मेरा झाड़ू पोछा हो जाता है। और मुझे सुबह सुबह में ही झाड़ू पोछाना करना अच्छा लगता है क्योंकि इसके बाद बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है और कामों के लिए, और झाड़ू पोछे के लिए भी टाइम नहीं बचता है, तो इसलिए मैं सुबह सुबह में सबसे पहले सफाई कर लेती हूँ और उसके बाद ही हम नाश्ता करते हैं। तो अभी तो आप जानते ही हैं कि बच्चे भी घर पर हैं, तो इसलिए मैं आराम से उठती हूँ और आराम से मेरे सारे काम जो है वो हो जाते हैं। तो यही मेरा रूटीन है डेली का, मैं अभी ऐसे ही करती हूँ, अपना जो भी मेरा घर का काम है इस समय पर निपटा लेती हूँ सभी काम अपने, और नाश्ता करने के बाद फिर मैं बच्चों को नहलाऊंगी और उसके बाद मैं बच्चों को पढ़ाना भी है, होमवर्क वगैरह आने स्टार्ट हो गया है इनका, तो वो काम भी करवाऊंगी इनका मैं। और ये लैपटॉप यहाँ पर इसलिए रखा हुआ है क्योंकि राज अपना जो काम है ऑफिस का वो घर से ही कर रहे हैं, तो घर पर रहकर आपको पता ही है, फिर जब घर में बच्चे भी हों और हस्बैंड भी हो तो घर का ये हाल होता है। ये देख लीजिए, बच्चे तो बिल्कुल भी मतलब रहने ही नहीं देते हैं कुछ भी ठीक, और मुझे तो ये हर थोड़ी देर में ना सोफे का कवर ठीक करना होता है, मतलब एक रूटीन सा बन गया है मुझे, इतने दिन हो गए हैं ना और बार बार बच्चे ख़राब करते हैं और राज भी यहीं पर बैठते हैं, तो आपको पता ही है कि घर में कितना काम बढ़ जाता है वैसे एक तरह से अगर देखा जाए तो। फिलहाल तो मेरा लॉकडाउन का जो टाइम है वो ऐसे ही बीत रहा है जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हो, और यहाँ पर ये आप देख सकते हो मिष्टी के टॉयज हैं, उसके कुछ खिलौने रखे हुए हैं और वो यहीं पर ही खेलती है। तो यहाँ पर मैंने दूध गर्म कर दिया है, दूध उबाल दिया है, और इसके बाद मैंने ये पराठों के लिए आलू की तैयारी कर ली है, आलू मैंने छील लिए अच्छे से और ये मैं थोड़े से ठंडे होने के लिए फ्रिज में रखूंगी। इससे पराठे बहुत अच्छे बनते हैं, अगर आप ठंडे आलुओं से पराठे बनाते हो ना तो बहुत अच्छे बनते हैं, अगर आप एकदम से गर्मा गर्म आलू पराठे में फिल करोगे तो नहीं बनेंगे अच्छे पराठे, वो टूटते हैं बार बार। तो मैं क्या करती हूँ कि इसे थोड़ा सा ठंडा होने के लिए रख देती हूँ, उसके बाद ही मैं इसमें मसाले वगैरह ऐड करूंगी। तो चलिए अभी हम नाश्ता कर लेते हैं थोड़ी देर में।
तो सब कुछ हो चुका है, नाश्ता वगैरह हो चुका है, मैंने झाड़ू पोछा भी कर लिया है, सारी सफाई कर ली है, और अभी मैं जा रही हूँ बच्चों को नहलाने, मिश्री और अरमान को, उसके बाद मैं आपसे थोड़ी देर में मिलती हूँ। तो अभी हम सभी नहा चुके हैं और नाश्ता भी कर चुके हैं, और अभी मैं करवाने जा रही हूँ मिश्री का कुछ होमवर्क बाकी है तो वो काम करवा रही हूँ। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी जो सभी स्कूल्स हैं वो व्हाट्सएप पे ही अपना जो बच्चों का होमवर्क है वो सेंड कर रहे हैं पेरेंट्स को, तो उसके थ्रू ही मैं काम करवा रही हूँ। इससे एक आसानी भी हो जाएगी और बच्चों के ऊपर ज्यादा बर्डन भी नहीं पड़ेगा। मुझे ये सिस्टम अच्छा लगा है काफी, क्योंकि जब बाद में स्कूल खुलेंगे तो इससे बच्चों के ऊपर भी प्रेशर नहीं बनेगा बहुत ज्यादा होमवर्क करने का। तो अभी जो भी डेली होमवर्क आ रहा है वो मैं साथ साथ करवा रही हूँ, तो बस अभी मिस्ट्री का होमवर्क करवाने जा रही हूँ, थोड़ा बहुत जो उसका बाकी है, और बस यही सब कुछ चल रहा है। तो यहाँ पर मैंने राइस बनाए हैं अभी लंच में, और यही वाली बेसन की सब्जी जो अभी मैं थोड़ी देर पहले तैयारी कर रही थी जिसकी, और सैलेड है, दही है। तो बस अभी हम लंच कर रहे हैं, और लंच करने के बाद फिर मैं बच्चों का फिर से होमवर्क करवाऊंगी। एक क्वेश्चन जो मुझसे हमेशा पूछा जाता है कि आप रिप्लाई क्यों नहीं करते हो, आपके हाथ में फोन होता है फिर भी आप रिप्लाई नहीं करते हो। तो देखिए मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ दोस्तों, कि देखिए जरूरी नहीं है कि जब आपने मुझे मैसेज करा हो उस वक्त फोन मेरे हाथ में हो। जब भी हम इंटरनेट ऑन करते हैं तो काफी बार हम इधर उधर फोन रख देते हैं, मैं किचन का काम करने चली जाती हूँ और भी मुझे बहुत सारे काम होते हैं, तो उस बीच क्या होता है मैं इंटरनेट ऑन करके फोन को साइड पे रख देती हूँ, क्योंकि ऐसे काफी बार बहुत सारे काम होते हैं जिन्हें शायद मैं करते करते ही अपने मैसेज चेक करती हूँ, रिप्लाई करती हूँ। तो उस बीच में काफी बार ऐसा हो जाता होगा कि मैंने मैसेज को रीड कर लिया है लेकिन हो सकता है मैं तुरंत रिप्लाई ना कर पाऊँ आपको, तो प्लीज उसके लिए बुरा मत मानिएगा दोस्तों। मैं रिप्लाई जरूर करती हूँ, चाहे मैं लेट करूं लेकिन मैं करती जरूर हूँ रिप्लाई, और मुझे भी अच्छा लगता है आपके मैसेज पढ़कर, आपके क्वेश्चन पढ़ के मुझे भी अच्छा लगता है कि मुझे हाँ इनके रिप्लाई करने हैं। तो इस चीज के बारे में आप प्लीज टेंशन फ्री रहिएगा, मैं जरूर रिप्लाई करूंगी, थोड़ा सा देर से कर सकती हूँ लेकिन मैं रिप्लाई जरूर करती हूँ, ये सभी मेरे सब्सक्राइबर्स जानते हैं इस चीज को, तो प्लीज आप भी थोड़ा सा इस चीज को समझिएगा। और आप लोगों ने ही बोला था कि मैं अपना डेली जो रूटीन होता है वो शेयर करूं, क्योंकि मुझे बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे कि मैम आप दिन भर में तो फ्री रहते हो, बेले रहते हो, मतलब कुछ काम नहीं करते हो फिर भी आप रिप्लाई नहीं करते हो। तो देखिए फ्रेंड्स, जो भी मेरे नए सब्सक्राइबर्स हैं या फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर या यूट्यूब पर, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं मैरिड हूँ, मैं सिंगल फैमिली में रहती हूँ, मेरे दो बच्चे हैं और मेरा बेटा 8th क्लास में है, बेटी मेरी 4th क्लास में है। तो दोनों बच्चों की पढ़ाई की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मेरे और राज के ऊपर ही है। ट्यूशन वगैरह मैंने अभी तक बच्चों की नहीं रखी है, कहीं नहीं लगवाई है, और ना ही मुझे पसंद है ट्यूशन वगैरह, क्योंकि उसपे क्या होता है कि बच्चों के सर पर बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा बर्डन हो जाता है। तो इसलिए राज और मैं, हम दोनों ही अपने बच्चों को खुद स्टडी करवाते हैं। अब मेरा चाहे जितना मर्जी बिजी शेड्यूल हो, राज का चाहे जितना मर्जी बिजी शेड्यूल हो, हमें ये रहता है कि हमें अपने बच्चों को ये काम करवाना है तो करवाना है। एज अ पेरेंट्स हमारा ये फर्ज बनता है कि हम किसी भी काम से पहले, मेरे लिए मेरे बच्चे हैं, उनकी स्टडी है, उनका फ्यूचर है, उसके बाद मैं अपने बारे में सोचती हूँ। तो यही चीजें राज के मामले में भी है, राज भी ऐसा ही सोचते हैं कि सबसे पहले बच्चे हैं, फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी बच्चे ही हैं ऑफकोर्स। तो इस चीज को भी थोड़ा सा समझिए, क्योंकि बच्चे काफी बार अब घर में रहते हैं तो बच्चों के लिए कभी कुछ बनाना, कभी स्नैक्स बनाना, कभी चाय, कभी दूध, तो इन सारी चीजों के बीच में हो सकता है कि मैं आपका रिप्लाई ना कर पाऊं। तो ऐसा नहीं है कि मैं फ्री रहती हूँ सारा दिन, और मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपना व्लॉग के थ्रू ही आपको बताऊं। इसमें मैं नेगेटिव वे में नहीं ले रही हूँ, क्योंकि काफी सारी रिक्वेस्ट भी आई थी कि मैं अपना डेली रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करूं, तो इसलिए मैंने आज ये शेयर किया। और एक चीज और बताना चाहती हूँ आपको कि आगे भी अगर आप मेरे इस तरह के व्लॉग्स देखना चाहते हैं तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं आगे भी अपनी डेली जो लाइफ है मेरी वो जरूर शेयर करूंगी। तो यही कुछ चीजें थी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी, और आगे भी आप मेरे व्लॉग्स के थ्रू जान पाएंगे कि मेरी लाइफ में क्या कुछ चल रहा है और क्या क्या दिन भर में मैं काम करती हूँ, कैसे मैं अपनी लाइफ को स्पेंड कर रही हूँ और कैसे इस वक्त मैं अपने लॉकडाउन के टाइम को एंजॉय कर रही हूँ। तो आप धीरे धीरे जान पाएंगे, तो आगे भी मैं अपनी लाइफ की बहुत सारी चीजें व्लॉग के थ्रू आपसे शेयर करूंगी, तो आपको पता चली जाएगा कि मैं क्या कुछ काम करती हूँ दिन भर में और कितना मैं खाली रहती हूँ। तो उम्मीद करती हूँ आपको आपके काफी सारे सवालों का जवाब मिल गया होगा, और आगे भी मेरी यही कोशिश है कि मैं जितनी भी और रिक्वेस्टेड वीडियो है उन पर भी बहुत जल्दी मैं वीडियोज लेकर आ रही हूँ, तो प्लीज थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा।
तो फ्रेंड्स चलिए फिर मैं इस व्लॉग का यहीं पर एंड करती हूँ और उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये आज का छोटा सा व्लॉग पसंद आया होगा और मैंने बहुत ज्यादा लंबा नहीं रखा है इस व्लॉग को, नहीं तो बहुत ही ज्यादा लंबा हो जाता है अगर मैं एक एक चीज अगर आपको डिटेल में दिखाने लगी सारी तो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। और डोंट वरी मैं आगे भी धीरे धीरे आप लोगों के साथ सारी चीजें शेयर करूंगी क्योंकि एक व्लॉग में तो बहुत सारी चीजें एक साथ कंप्लीट नहीं हो पाती है, बट मैं धीरे धीरे आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगी। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये आज का छोटा सा व्लॉग पसंद आया होगा, तो प्लीज फ्रेंड्स लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट भी जरूर करिएगा अपने प्यारे प्यारे, मुझे आपके कमेंट्स पढ़ना आपके कमेंट्स देखना बहुत अच्छा लगता है, तो प्लीज अपने कमेंट्स भी जरूर करिएगा। और हाँ फ्रेंड्स जाते जाते एक चीज और बताना चाहती हूँ कि मेरे चैनल पर आपको स्किन केयर हेयर केयर DIY हेल्दी टिप्स बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी, तो प्लीज मेरी वीडियो की प्लेलिस्ट को एक बार चेक जरूर कर लीजिएगा। और मैंने मेरे सभी वीडियोस के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने लेटेस्ट वीडियोस के लिंक भी दिए हैं और सभी प्लेलिस्ट भी दिए, तो आप एक बार चेक जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि काफी जो मेरे नए नए सब्सक्राइबर्स में से हर रोज जुड़ते हैं उनके सवाल होते हैं कि दी आपने क्या इस पर वीडियो बनाई है इस टॉपिक पर बनाई है, तो मैंने अब तक अपने चैनल पर कोशिश की है कि मैं हर एक टॉपिक पर वीडियो बनाऊं, तो आप एक बार प्लेलिस्ट चेक करेंगे आपको पता चल जाएगा, तो प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक बार चेक जरूर कर लीजिएगा।